विश्वलोक में श्री हरि विष्णु के मुख से शिव महिमा सुनकर लक्ष्मी प्रभावित हुई। उधर प्रयाग में ब्रह्मा जी द्वारा आयोजित यज्ञ में भगवान शिव के साथ सभी देवी देवता एवं समस्त ऋषिगण पधारे हुए थे। यज्ञ में ब्रह्मा के मानस पुत्र दक्ष भी पधारे। दक्ष के सम्मान में जमाता शिव जब नहीं खड़े हुए तो दक्ष क्रोधित हो उठे और उनका अपमान करने लगे, तो नंदी ने दक्ष को प्रताड़ित किया। शिव ने उसे रोका, चलो हम कैलाश लौट चलें। यज्ञ पूर्ण करो। इतना सब कुछ हो जाने के उपरांत इस यज्ञ का आरती क्या रह गया पिताश्री? मेरा चित यहाँ से हट चुका है। दक्ष, पुत्र दक्ष, दलित सुनो, चराचर जगतपति शिव शंकर का अपमान करके पुत्र दक्ष ने उचित नहीं किया। अकारण क्रोध का परिणाम अच्छा नहीं होता। क्या हुआ दक्ष? क्या बात है? आप तो यज्ञ भी गए थे। यज्ञ करने वालों के उपरांत तो चित्त शांत हो जाता है, और आप, आपका स्वास्थ्य ठीक है ना स्वामी? कहीं तो राज वैद्य जी। मुझे कुछ नहीं हुआ दक्ष, प्रजापति को कुछ नहीं हो सकता। सर्वनाश के दिन तो आ गए हैं उस अहंकारी भूतनाथ के, जिसने आज भरी सभा में मेरा अपमान किया है। आप जामाता जी की बात कर रहे हैं? क्या किया है उन्होंने जो आप क्रोध में बिफरे जा रहे हैं? क्या नहीं किया उसने? भूत प्रेत निशाचरों के साथ शमशान में रहने वाले उस ओगड़ शिव का दुस्साहस तो देखो। बड़े बड़े देवताओं और ऋषि मुनियों ने जिस दक्ष का अभिवादन किया हो उसी की उपेक्षा कर डाली उसने। गणमान्य विद्वान या महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में न सही, ससुर के रूप में तो मुझे नमन कर ही सकता था। हो सकता है उनका पूरा ध्यान उस समय यज्ञ की ओर लगा हो। तुम उस नीच का साथ दे रही हो महारानी, जिसके टेढ़े तिरछे मुख वाले गणों ने मेरा जी भर के अपमान किया है, मेरे ब्राह्मणत्व को ललकारा है, श्राप दिया है मुझे। अवश्य आपने भी कुछ कहा होगा, तभी तो। एक तो तुम हो जो उस चटा झूठधारी नंग धड़ंग जामाता पर अपने हृदय का पूरा प्रेम उंडेल रही हो, और दूसरे है मेरे पिता, जिनके दबाव में आकर मुझे अपनी सती का विवाह उस दुष्ट के साथ करना पड़ा। मेरा वश चले तो। बस कीजिए स्वामी, बस कीजिए। आपका ये शिव क्रोध मुझे किसी अनिष्ट की चेतावनी दे रहा है। भगवान के लिए मुख से एक भी अपशब्द मत निकालिएगा। मुख से कहने से क्या लाभ, अब तो अपमान का बदला अपमान से ही लिया जाएगा। महारानी, मैं शीघ्र एक महान यज्ञ का आयोजन करूंगा, जिसमें मैं तुम्हारे लाडले जामाता को कदापि कदापि आमंत्रित नहीं करूंगा। क्या? इतना ही नहीं, उसका यज्ञ भाग भी उसे नहीं मिलेगा, कदापि नहीं मिलेगा। प्रतिशोध लूंगा मैं, प्रतिशोध, प्रतिशोध, प्रतिशोध। नारायण नारायण, परमपिता ब्रह्मा, परमपिता ब्रह्मा, कहाँ है आप? आज आपका ये कमलासन रिक्त क्यों है? कृपया पधारिए। ओम नमः शिवाय। प्रणाम परमपिता। क्या बात है, तुम इतने व्यग्र क्यों हो रहे हो? आश्चर्य तो इसी बात का है कि आप व्यग्र नहीं हैं। आपके द्वारा आयोजित प्रयाग यज्ञ में इतना बड़ा अपमान और शापकांड हुआ और आप शांत हैं? और परमपिता, आप मुझे ये बताएं कि आप अपना आसन छोड़कर कहां चले गए थे? किसी अनिष्ट की आशंका से बचने के लिए एकांत में चिंतन कर रहा था नारद। परमपिता, आपका ये कमलासन चिंतन का ही तो केंद्र है। चिंतन के लिए यहां से अदृश्य होने का प्रयोजन? ये तो मैं तुम्हारी पुकार पर चला आया, अन्यथा मुझे यहां से कुछ समय के लिए अदृश्य रहना था। परमपिता,
इसका कारण? पहले मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो कि तुम स्वयं प्रयाग यज्ञ के संदेशवाहक होकर भी प्रयाग यज्ञ में उपस्थित क्यों नहीं हुए? नारायण नारायण, परमपिता आप मेरी व्यवस्था समझ सकते हैं। श्री हरि विष्णु ने जब यह आशंका व्यक्त की कि उस यज्ञ में कुछ अनिष्ट होने जा रहा है तो उनकी आज्ञा अनुसार मैं वहां उपस्थित नहीं हुआ। परमपिता अब आप ही बताएं कि भगवान शिवशंकर का अपमान मैं कैसे देख सकता था? आप समझो। परमपिता एक बात मेरी समझ में नहीं आई। कौन सी बात? आपने भ्राता दक्ष को भगवान शिवशंकर का अपमान करने से रोका क्यों नहीं? इस हेतु कि वो भवूतधारी ओगड़नाथ अपमान और शाप के योग्य ही है। नारायण नारायण, ऐसा अशुभ बोलकर अपने सर्वनाश को आमंत्रण न दो भ्राता दक्ष। सर्वनाश है? सर्वनाश तो उसी का होगा जो सर्वनाश के योग्य है। हम दक्ष प्रजापति हैं, सारी प्रजा के पालन करता। हमारा अपमान करने वाले को अपमान का दंड भुगतना ही होगा। नारद दक्ष, क्रोध के आवेश में आकर तुमने यज्ञ भूमि में जो अनर्थ कर डाला उसका तुम्हें तनिक भी दुख नहीं है? अब जहाँ क्या करने आए? परमपिता हम यहाँ आए दक्ष यज्ञ के निमंत्रण हेतु। दक्ष यज्ञ? कैसा दक्ष यज्ञ? परमपिता आपने अपना वो यज्ञ हमसे बलपूर्वक पूर्ण करवाया, उससे हम संतुष्ट नहीं है। इस कारण हमने निश्चय किया है कि दक्ष भूमि कंथल में एक महान यज्ञ का आयोजन किया जाए। नारायण नारायण, इस यज्ञ का प्रयोजन? नारद ये आवश्यक तो नहीं कि हम तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दें, परंतु यदि आयोजन का कारण जानना ही है तो सुनो। दक्ष यज्ञ का आयोजन करके हम शिव को सदा सदा के लिए सभी यज्ञों से बहिष्कृत कर देंगे। हम इस यज्ञ के द्वारा शिव से अपने अपमान का प्रतिशोध लेंगे। दक्ष, शिव तो साक्षात परम ब्रह्म है, तुम उन्हें क्या बहिष्कृत करोगे? ऐसा अनुचित विचार भी अपने मन से निकाल। हमारा ये विचार ही नहीं, अटल निश्चय है परमपिता। हम अभी अभी श्री हरि विष्णु को निमंत्रण देकर आ रहे हैं और हमने उन्हें ये शपथ दिलाई है कि उन्हें हमारे इस यज्ञ में सम्मिलित होना ही होगा, जिसमें कैलाशपति शिव का कोई स्थान नहीं होगा। परमपिता नारायण नारायण, भगवान शिव महेश्वर होने के साथ साथ आपके जमाता है और आपकी पुत्री सती के पति भी, उन्हें आप यज्ञ से बहिष्कृत कैसे कर सकते हैं? तुम चुप रहो नारद। हा? हमने शिव को इस यज्ञ से ही नहीं अपने जीवन से भी बहिष्कृत कर दिया है। पिताश्री आप समय से पूर्व यज्ञ में पहुंचकर पूरी व्यवस्था का संचालन कीजिए, हम यही कहने आए हैं। प्रणाम पिताश्री। नारायण नारायण, इतना क्रोध इतना अभिमान, अवश्य दक्ष प्रजापति के सर पर दुर्भाग्य मंडरा रहा है। शिव के प्रति तीव्र रोष उन्हें कहीं का नहीं रखेगा। परमपिता मेरी आपसे प्रार्थना है कि उस यज्ञ में आप सम्मिलित न हो। हम अपने ही पुत्र के यज्ञ में सम्मिलित नहीं हो, यह कैसे हो सकता है? नारद हमें जाना ही होगा। परमपिता आपने एक बार तो भगवान शिवशंकर का अपमान देख लिया, क्या दूसरी बार आप वही देखने के इच्छुक हैं? उचित यही होगा कि आप उस यज्ञ का बहिष्कार करें। दुविधा में न डालो नारद, हमें अपने कर्तव्य का पालन करने दो। हमें तो बस इतना ज्ञात है कि हर कार्य शिव की इच्छा अनुसार ही होता है। पता नहीं इस बार शिव की इच्छा क्या है। दक्ष के मन में जो इतना भयंकर क्रोध भड़क रहा है, वो बता रहा है कि सदाशिव इस यज्ञ के माध्यम से कोई विशेष कार्य संपन्न कराने के इच्छुक है। वो कार्य क्या है ये हमें भी जानना है। नारायण नारायण, परमपिता यदि आपको ज्ञात नहीं है तो कैलाश जाकर स्वयं भगवान शिवशंकर से पूछ लीजिए। नहीं नारद, दक्ष के पिता होने के नाते हम भी उत्तरदायी हैं। भगवान शिव के पास जाने का ये उचित अवसर नहीं है। हमें स्वयं श्री हरि विष्णु के पास जाकर इस विषय में परामर्श करना है। जैसी आपकी इच्छा, परंतु मैं इस अनर्थकारी यज्ञ को रोकने का पूर्ण प्रयत्न करूंगा। नारायण नारायण,
देवाधिदेव महादेव ने प्रयाग यज्ञ में दक्ष को श्राप न देकर अपने पराग पर ब्रह्म होने का परिचय दिया है, परंतु उस अज्ञानी दक्ष को यह ज्ञात नहीं कि शिव का सम्मान संपूर्ण त्रिलोकी का सम्मान है और शिव का अपमान संपूर्ण ब्रह्मांड का अपमान है। दक्ष को तो मुझे अपना पुत्र कहने में भी लज्जा आती है, लज्जा। चतुरानंद, जिसे ला जानी थी वो तो सर उठाकर घूम रहा है। दक्ष मेरे पास आमंत्रण लेकर आया था, उसने स्वयं एक और महायज्ञ का आयोजन किया है। आप वहां जाएंगे नाथ? अभी कोई निर्णय नहीं किया। हे नारायण, मेरे विचार से तो हम दोनों को वहां पहुंचना आवश्यक है, क्योंकि हो सकता है कि यज्ञ के आड़ में दक्ष शिव विरोधी कोई नाटक खेलने जा रहा हो। ब्रह्मा जी की बात में औचित्य है, मैं भी उनकी बात का समर्थन करती हूँ। उचित है देवी, हम दक्ष यज्ञ में कनखल अवश्य जाएंगे। क्या कह रहे हैं आप? यज्ञ के लिए सबको आमंत्रण भेजा जा चुका है। हाँ महारानी गिरिणी, कैलाशपति भगवान शिव, सती और शिव भक्त ऋषियों को छोड़कर शेष सबको यज्ञ में पधारने की सूचना दे दी है। अर्थात महाराज अपनी हट पर अड़े रहना चाहते हैं, उन्होंने इसके दुष्परिणामों की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया है। कहाँ है महाराज जी? वो भगवान विष्णु और परमपिता ब्रह्मा को निमंत्रण देने स्वयं गए हैं। तो फिर शिव सती को बुलाने मैं कैलाश जाऊंगी। मैं ये अन्याय कदापि नहीं होने दूंगी, कदापि नहीं। ये हम क्या सुन रहे हैं महारानी? तुम हमारी इच्छा के विरुद्ध कैलाश जाओगी? हमारी पुत्री सती और जमाता शिव इस यज्ञ से वंचित रहे, ये मैं नहीं देख सकती। यदि आप निमंत्रण नहीं भेजते तो मुझे स्वयं वहां जाना होगा और मैं अवश्य जाऊंगी। महारानी, हमारी आज्ञा के उल्लंघन का परिणाम जानती हो? हमारा क्रोध तुम्हें इसी समय जलाकर भस्म कर सकता है। हमारी बेटी सती और शिव के साथ के संबंधों को भस्म करने से पहले आप मुझे भस्म कर दे। यदि आपका क्रोध शांत नहीं हो सकता तो क्या अर्थ है इस यज्ञ का? क्यों कर रहे हैं आप ये यज्ञ? हम संसार के सबसे बड़े सत्ताधारी हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हमारे अधिकारों को चुनौती देने वाली तुम होती कौन हो? नारायण नारायण, शांत हो जाइए भ्राता दक्ष। आपका क्रोध जग प्रसिद्ध है, परंतु यज्ञ करने वाले को क्रोध करना शोभा नहीं देता। नारद, तुम यहाँ भी चले आए? नारायण नारायण, मैं तो बिना निमंत्रण के ही हर कहीं पहुंच जाता हूँ भ्राता दक्ष। इसके लिए ना आश्चर्य की आवश्यकता है न क्रोध की। देवर जी, देख रहे हैं ना इनका हट? आप ही बताइए, शिव शंकर को बुलाए बिना क्या कोई यज्ञ पूर्ण हो सकता है? कदापि नहीं। शिव जी के बिना यज्ञ अधूरा ही नहीं, अनिष्टकारी भी है भ्राता दक्ष। इसीलिए मैं आपको यहाँ सावधान करने के लिए आया हूँ। या तो शिव सती को निमंत्रण भेजिए या इस यज्ञ का विचार ही त्याग दीजिए। ऐसे शिव विहीन यज्ञ से किसी का कोई भला नहीं होने वाला। ये यज्ञ होगा और शिव सती के बिना होगा, ये हमारा निश्चय है और हम अपने अटल निश्चय को कदापि नहीं बदलेंगे। नारद जी की बात मान लीजिए, शिव सती को आमंत्रण भेज दीजिए स्वामी, अभी भी देर नहीं हुई है। यदि आपको शिव जी के पास कैलाश जाना स्वीकार नहीं है तो मैं चला जाऊंगा आपका भाई होने के नाते। भावज विरणी की बात मान लीजिए भ्राता। एक तो तुम बिना बुलाए हमारा क्रोध जगाने यहाँ चले आए हो, दूसरे यज्ञ में हस्तक्षेप करने का साहस कर रहे हो। नारद, हम कहते हैं चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। आप ये क्या कर रहे हैं स्वामी? देवर्षि नारद आपके भ्राता होने के साथ साथ सबके पूज्य भी हैं। नारायण नारायण, विनाश काले विपरीत बुद्धि, किसी ने ठीक ही कहा है, जब विनाश समीप आता है तो बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। अब मैं ना आपके इस महल में आऊंगा ना आपके उस अनिष्टकारी यज्ञ में। भारत गिरणी, अब आज्ञा दीजिए, भगवान भोलेनाथ आपका कल्याण करेंगे। नारायण नारायण। Thank you.
सती, तुम यहां अकेली क्यों बैठी हो? अरे तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम्हें किसी ने कुछ कहा? तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है ना? इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझसे छिपाई, मुझसे अपनी अर्धांगिनी से। किंतु यदि नंदी ना बताता तो मुझे ये ज्ञात ही ना होता कि मेरे पिताश्री ने उसी पर इतना विश्व मन कर डाला जिसने सृष्टि के हित को ध्यान में रखकर विष को अमृत समझकर पी डाला। क्या उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि स्वयं एक शूद्र सी चीटी होते हुए मेरे आकाश नापते पर्वत से स्वामी से टकराने का फल क्या हो सकता है? विसार दो सती, विसार दो सारी कड़वी बातें जैसे मैंने विसार दी। कड़वाटों के स्मरण से मन मस्तिष्क दूषित हो जाते हैं। तुम्हारा सदा प्रसन्न रहना ही उचित है। सती, भगवान शिव शंकर को चंद्र का प्रणाम। अरे सती, तुम यूं ही खड़ी हो? हम तो तुम्हें साथ ले जाने हेतु आए थे। कहा पति प्रेम में तो तूने सभी को विसार दिया है सती, अपने मायके, अपने माता पिता सबको। बात यह है कि हम लोग यज्ञ में सम्मिलित होने तक्ष महल जा रहे थे, सोचा आप लोगों को भी साथ लेते चलें, किंतु आप लोग तो अभी हमें पिताश्री ने निमंत्रित नहीं किया। ये कैसे हो सकता है कि हमें तो आमंत्रित करने में स्वयं आए और तुम्हें विसार दें? यज्ञोजन कोई छोटा मोटा काम नहीं, हो सकता है व्यस्तताओं के कारण इस महत्वपूर्ण कार्य का स्मरण न रहा हो। मैं अभी जाकर स्वयं उनसे पूछकर निमंत्रण भिजवाता हूँ, तो हमें अब आज्ञा दीजिए। मेरे हृदय को व्यथित कर दिया है, मैं स्वयं नहीं समझ पा रही हूँ कि स्थिति का परिणाम